नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा राजस्थान बोर्ड अजमेर कक्षा 12वीं में इतिहास हिस्ट्री विषय का एक ऐसा पेपर। दोस्तों, इस पेपर के आने का चांस 17 मार्च 2020 वार मंगलवार को 60 से 70% है। तो दोस्तों, इस पेपर को एक बार जरूर पढ़ के जाए अपने एग्ज़ाम को देने से पहले पहले। तो दोस्तों, चलते हैं इस पेपर के पहले प्रश्न की तरफ। हमारे पास में इस पेपर का पहला प्रश्न है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, यहाँ पे 57 ईस्वी पूर्व। आई बात समझ में? दोस्तों, आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र का लेखक हमारे पास में चाणक्य जी थे। आई बात समझ में? दोस्तों, आगे पेपर में तीसरा प्रश्न, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है? तो दोस्तों, समित ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है। आई बात समझ में? दोस्तों, आगे पेपर में चौथा प्रश्न, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों, यहाँ पे 1025 ईस्वी के अंदर क्या किया, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। दोस्तों, आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न है, सुदर्शन झील की पुनर्निर्माण किस शासक ने कराया? दोस्तों, छठा प्रश्न, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? सातवां प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों, आगे पेपर में आठवां प्रश्न, विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश क्यों कहा जाता है? दोस्तों, आगे हमारे पास में नौवां प्रश्न, चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक क्यों कहा जाता है? आगे दसवां प्रश्न, भारतीय और यूनानी मिश्रण से मूर्तिकला की किस शैली का विकास हुआ है? दोस्तों, आगे ग्यारहवां प्रश्न, धार्मिक दृष्टि से अशोक और कनिष्ठ में क्या क्या समानताएं हैं? दोस्तों, आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न, बौद्ध धर्म किन दो शाखाओं में विभक्त हुआ? दोस्तों, आगे हमारे पास में पेपर में 13वां प्रश्न है, हिंदूपद किस शासक को कहा जाता है और क्यों? 14वां प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? दोस्तों, आगे 15वां प्रश्न, धोलावीरा यहाँ पे अपनी किन दो विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो दोस्तों, आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने की दोस्तों, चाणक्य के साथ में। दोस्तों, 17वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस कारण असहयोग यहाँ पे आंदोलन स्थगित कर दिया? दोस्तों, आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता के धार्मिक जीवन की कौन सी दो विशेषताएं हमारे दैनिक जीवन में देखी जा सकती है? राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के मॉडल पेपर आंसर की और रिजल्ट से संबंधित तमाम जानकारी के लिए आज ही विजिट करें rklet.in, इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। दोस्तों, आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न है, महमूद गोरी के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान की पराजय के क्या कारण थे? दोस्तों, आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न, 1857 की क्रांति की असफलता के 4 कारण दीजिए। आगे हमारे पास में 21वां प्रश्न, राजा राम मोहन राय द्वारा सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, आगे हमारे पास में 22वां प्रश्न, आप कैसे कह सकते हैं कि सिख किसान आंदोलन महिला सशक्तिकरण का एक ऐतिहासिक उदाहरण है? दोस्तों, आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न, जूनागढ़ अभिलेख सुदर्शन झील के बारे में जानकारी के लिए किस प्रकार उपयोगी है? दोस्तों, आगे आपको यहाँ पे सुमेलित करना है, जैसा कि देख सकते हैं, खुदाई में प्राप्त आवेश यहाँ पे अवशेष और यहाँ पे स्थान, तो आपको कालीबंगा जो हमारे पास में सभ्यता है वहाँ पे आपको कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ है, जिससे कि जुता हुआ खेत। आई बात समझ में? तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको क्या करना है, सभ्यता दी हुई है और आपको अवशेष के नाम यहाँ पे सम्मिलित करने हैं अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर। दोस्तों, आगे 25वां प्रश्न, भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों की असफलता के क्या कारण थे? आगे 26वां प्रश्न, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? दोस्तों, आगे हमारे पास में 27वां प्रश्न है, गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालिए 27वें की अथवा में है, धर्म एवं ज्ञान के संरक्षक के रूप में हर्ष की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों, आगे 28वां प्रश्न, इस पेपर का असहयोग आंदोलन के उदय के कारण कार्यक्रम और महत्व को समझाइए। देखो, 28वें की अथवा में है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम एवं महत्व बताइए। दोस्तों, आगे 29वां प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन पर निबंध लिखिए। देखो, 29वें की अथवा में है, राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, आगे हमारे पास में अंतिम प्रश्न इस पेपर का 30वां, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को अंकित कीजिए, पहला कालीबंगा, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा प्रयाग, चौथा बम्बई और 5वां मद्रास। तो दोस्तों, प्रयाग हमारे पास में बिहार में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है। दोस्तों, यदि आप ये पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों, आगे मैंने बताया है कि ये पेपर आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, तो दोस्तों आगे भी जरूर देखना।
राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं 8वीं और 5वीं के मॉडल पेपर पाने के लिए आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर सर्च करना है rjstudymasala.in, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया। दोस्तों, आपको सर्च करने के बाद में हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलने के बाद में आपको ये वाला लिंक मिलेगा 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा पेपर 2020 मॉडल पेपर। तो दोस्तों, आपको सीधा यहीं पर क्लिक करना है फोटो पर। फोटो पर जैसे क्लिक करोगे दोस्तों, तो दोस्तों आपको नीचे सारे के सारे विषयों के 10वीं 12वीं 8वीं 5वीं सभी विषयों के मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप गूगल पर आरजे स्टडी मसाला लिखकर सभी मॉडल पेपर पा सकते हो, चाहे आपकी 8वीं कक्षा हो, चाहे आपकी 10वीं कक्षा हो, चाहे आपकी 12वीं कक्षा हो, चाहे वो आपकी 5वीं कक्षा हो। तो दोस्तों, गूगल पर जाकर आरजे स्टडी मसाला जरूर विजिट करें।